अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जेके सीईटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जेके सीईटी एक्चुअल में है क्या और इसका एंट्रेंस वगैरह पूरा जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए और जो भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपका हो तो वो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं जेके सीईटी के बारे में। तो यहाँ पर जो है मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ जेके सीईटी की। तो देखिए जेके सीईटी की अगर हम जो है फुल फॉर्म देखें तो जम्मू एंड कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने सबमिट किए थे और किए हैं ऑलरेडी। अब इसका जो एंट्रेंस होने वाला है, स्टूडेंट्स को डाउट है एंट्रेंस होगा या मेरिट बेस्ड ये होगा। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे इसके बारे में, एक वीडियो बना तो मैंने सोचा इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बना लें, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने जो है ये वीडियो आज बना लिया। तो चलिए पहले हम देखेंगे जेके सीईटी जो है इसका एंट्रेंस वगैरह पूरा जो है वो एलिजिबिलिटी सब कुछ हम देखेंगे। यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। जो डेट थी एप्लीकेशन सबमिशन की वो तो ऑलरेडी जा चुकी है, स्टूडेंट्स ने सबमिट जो है वो कर दिए। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो थी वो 20 मई 2021। देखिए अगर एग्ज़ाम नेम हम कहेंगे इसको जेके सीईटी 2021 इसको कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी है जम्मू एंड कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एग्जाम टाइप जो है तो यूजी लेवल भी होता है और पीजी लेवल। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी इसमें आप कर सकते हैं और पीजी लेवल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप कर सकते हैं। ये स्टेट लेवल का जो है एग्ज़ाम होता है, जम्मू कश्मीर के लेवल का ही ये होता है, जम्मू कश्मीर के बाहर ये नहीं होता है। और कोर्सेज इसमें जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंजीनियरिंग और मेडिकल या बाकी कोर्सेज जो है वो उसमें जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी जो है जो इसको ऑर्गेनाइज़ करती है वो जेके बोपी है, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जेके बोपी कहते हैं। उसी के थ्रू इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी निकलते हैं, एडमिट कार्ड भी निकलते हैं और वही इसका जो है एंट्रेंस वगैरह भी कराते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है ये ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हो, एग्ज़ाम जो होते हैं वो ऑफलाइन होता है, वो ऑनलाइन नहीं होता है। डेट्स वगैरह जो है वो आपको पता ही होंगे, वो एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 3 घंटे का जो है टाइम होता है। 180 क्वेश्चंस इसमें स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं और 180 में से आपको पर क्वेश्चन का अगर आप ठीक करेंगे तो 1 मार्क्स मिलता है, अगर आप गलत करेंगे तो 0.25, 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाता है। अब स्टूडेंट कह रहे हैं इसके कट ऑफ वगैरह के बारे में। देखिए कट ऑफ वगैरह तो हम इस वक्त कह नहीं सकते इसका कट ऑफ क्या होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड हमारे पास नहीं होती है। तो यूजुअली इसका मतलब आपके पास अगर 100, 120+, 120 या 100+ पॉइंट्स आपके आते हैं एंट्रेंस में तो डेफिनेटली आपको जो है कॉलेज काउंसलिंग में फिर मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। अभी जो है स्टूडेंट कह रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह जो है वो नहीं आ गई, एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ जाएंगी जल्दी। या जो है स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरिट बेस्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल 12th के मार्क्स के बेस पे होगा। देखिए 12th के मार्क्स के बेस पे ये नहीं होगा, फर्दर जो है वो जेके बोपी तक है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है एंट्रेंस हो जाता है, एंट्रेंस बेस पर ही हो जाता है। आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कीजिए, 10th 12th के मार्क्स के बेस पर इसमें सिलेक्शन आपकी नहीं होगी। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद खास बात ये होती है, क्योंकि अगर बाकी एग्ज़ाम्स का देखें उनको क्वालिफाई करने के बाद आपको जो कोर्स और कॉलेज वगैरह जो होता है वो आउट ऑफ स्टेट मिल जाता है जम्मू कश्मीर के बाहर, लेकिन जेके सीईटी जो है इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको कॉलेज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलते हैं और ये साल में एक बार होता है। अभी जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर लिए हैं तो ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भरे हैं तो वो अगले साल जो है वो भर लेंगे फॉर्म। तो यहीं पे आज का वीडियो हम ख़त्म कर लेते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन डाउट हो जेके सीईटी के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।